वैश्विक महामारी कोरोना वायरस समाप्त हो, इसके लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से कार्य कर रहा है। इस कड़ी में गाजीपुर नगर के स्टेशन रोड के युवाओं की एक टीम सुधांशु प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में घर घर निस्वार्थ भाव से सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है, जो प्रतिदिन सुबह शाम इस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। इस बाबत सुधांशु ने बताया कि मानव जीवन का अगर कुछ समय लोगों की सेवा के काम आ जाए तो वही कर्म की असल पूंजी है। इसी प्रेरणा भाव से विगत 20 दिनों से हम लोग इस काम में पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि बिना किसी शुल्क के लोगों द्वारा अवगत कराए जाने पर उस मोहल्ले या गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य होता है। ऐसी कोई सूचना न मिलने की दशा में स्वयं द्वारा कोई एक क्षेत्र को निर्धारित कर उसको सैनिटाइजर के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। सुधांशु जी, ये जो आप इस वैश्विक महामारी में घर घर निस्वार्थ भाव से सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जो वैश्विक महामारी बीमारी चला है, हमारे पूरे विश्व में विश्व के लोग इससे परेशान हैं, तो इसलिए हम लोग देखें कि और कुछ टीमें काम कर रही थी पिछले कुछ आगे दिनों से, तो उनसे हमको प्रेरणा मिला, तो हम लोग सोचे कि कम से कम अपना शहर सुरक्षित रहेगा, अपना गाँव अपना इलाका सुरक्षित रहेगा, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए हम कदम उठाए हैं और ये हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एक दिन में कितने घरों का सैनिटाइजर हो जाता है और क्या उसकी प्रक्रिया है? उसका तो कोई जानकारी नहीं, कितने घरों का हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन लगभग में हम लोग 3 से 4 घंटा कंटिन्यू समय देते हैं, कम से कम एक वार्ड लगभग में हो जाता है। और हम लोग ज़्यादातर जहाँ नगर पालिका नहीं पहुँच रहे वहाँ पहुँचने का कार्य कर रहे हैं, और हमको लोगों को द्वारा कॉल करके बुलाया जा रहा है कि हमारे मोहल्ले में आइए, इधर आइए। हम ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों को फोकस कर रहे हैं और बाकी जहाँ इच्छा लोगों का आवश्यकता पड़ा हम वहाँ जा रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क? हम लोग कोई शुल्क नहीं, अपने से हम और हमारे मित्र और 2-3 लोग हैं, और ये लोग अपने से व्यवस्था किए हैं, हम लोग स्वयं जा के घर घर मार रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है, निस्वार्थ भाव। कितने लोगों की टीम है आपके साथ? हम लोग की 4-5 लोगों की टीम है और सभी लोग निरंतर प्रयास से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आकाश, सैनिटाइजेशन का काम आप भी कर रहे हैं, कैसा लगता है? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा करना, भैया के साथ हम भैया का सहयोग करते हैं सैनिटाइजर करने के कार्य में। डेली हम लोग प्रतिदिन 2 से 4 घंटे तक गाँव में पहुँच कर सैनिटाइजेशन का कार्य करते हैं। आगे भी इस महामारी के समाप्ति तक ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। इस कार्य में अपनी टीम के सदस्य आकाश मोदनवाल, शशांक, मुरली, राजन, सत्यम, दिनेश, प्रदीप, सचिन, मुन्ना, संदीप और जीवन आदि का सहयोग मिलता रहता है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।